पहले जिस पुलिस के हॉर्न को सुनकर इंसान कांपने लगता था और भाग जाता था, लॉकडाउन के बाद वो हॉर्न किसी के जिंदगी जीने की एक उम्मीद बन गया है। जो जानवर पहले भरपेट खाना खाते थे, लॉकडाउन के बाद उन जानवरों को खाना नहीं मिल रहा, तो पुलिस इन बंदरों के पेट भरने के लिए खाना लेकर पहुंचती है। जैसे इन बंदरों को पुलिस की गाड़ी का हॉर्न सुनाई पड़ता है, तो बंदरों को पता चल जाता है कि उनका खाना दाना आ चुका है। और ये नजारा अंतु कोतवाली के संडवा स्थित जंगल के बीच से गुजरने वाली सड़क पर दिखा। यहाँ तैनात इंस्पेक्टर मनोज तिवारी लॉकडाउन शुरू होने के बाद से ही रोजाना कोतवाली से निकलकर सबसे पहले इस जंगल के बंदरों के 5 गुटों को रोज सुबह भीगा चना, केला, गाजर आदि लेकर निकलते हैं और बंदरों के 5 गुटों के इलाके में जाकर उन्हें भोजन कराने की जिम्मेदारी निभाते हैं। जब हमने उनसे इसके पीछे के कारणों के बारे में जानने की कोशिश की, तो उनका कहना था कि अयोध्या चौकी में तैनाती के समय लगे कर्फ्यू के दौरान बंदरों की हालत खराब होने लगी थी, तब भी जिलाधिकारी के निर्देश के बाद हमने ऐसी व्यवस्था की थी। वैसी ही स्थिति आज लॉकडाउन के समय बंदरों की हो गई है, जिसके बाद हम प्रतिदिन पहले इनको भोजन कराते हैं। ये मैं जब से लागू हुआ उसके 2 दिन बाद 27 से शुरू किया मैंने, क्योंकि ये प्रेरणा मुझे फैजाबाद अयोध्या से मिली है। अयोध्या में जब कर्फ्यू लागू हुआ था तो वहाँ पर बंदर बहुत ज़्यादा हैं, तो DM साहब ने एक बार मीटिंग करके बताया था कि सभी लोग निवर्तमान में थे कि सभी लोग जो है बंदरों को चना भिगो कर खिलाएंगे, जरूरत पड़ेगी तो मैं उसके लिए बजट भी आप लोगों को दूंगा। और वहीं से मन में ये बसा था, तो मुझे लगा कि मंदिर पे देखा जाए, चूँकि बंदर यहाँ बहुत रहते हैं, तो देखे तो इनकी हालत ख़राब थी, चूँकि ये मानव की तरह ही खाना खाते हैं, इनको चना होना चाहिए, गाजर चाहिए, केला चाहिए। और मंदिर जब खुला रहता था तो लोग दर्शन करने आते थे, श्रद्धालु कुछ खिलाते थे, कुछ लूटपाट करके और बाजारों में इधर उधर खा लेते थे। इनकी स्थिति दयनीय थी, तो मैंने ये किया, इनको रोजाना चना और गाजर केला सब ले आके खिलाता हूँ, उनको घूम घूम कर जंगलों में जहाँ जहाँ मिलते हैं, इनकी टोलियाँ रहती हैं वहाँ घूम घूम खिलाता हूँ। कितना बड़ा जंगल है यहाँ पे? बहुत बड़ा तो नहीं है, लेकिन फिर भी 10 एकड़ में तो है ही है, 10 से 20 एकड़ में तो है ही। यहाँ मंदिर भी है? हाँ, चंद्रिका धाम है यहाँ पे और काफ़ी चर्चित धाम है। जंगल से निकल के मंदिरों पे ही भोजन पाते थे पहले? हाँ, मंदिरों में घूमते रहते थे लोग, सुबह जब दर्शन करने आते थे तो कुछ न कुछ अपने घर से किसान चना लेके आते थे, तो कुछ कुछ लेके आता था। आज भी लोग खीरा उरा जैसे पैदा होता है, जिसका पहला फल पैदा होता है तो ले आके खिलाते हैं। तो लॉकडाउन में मंदिर तो बंद होगा? हाँ, मंदिर बंद है, इसीलिए इनको परेशानी है, और इसीलिए मैं इनको जो है सुबह आके 9 बजे से लेकर 10 बजे के बीच में खिलाकर थाने चला जाता हूँ लौट कर। ये स्वयं की प्रेरणा है और कोई मतलब नहीं। आपको बता दें कि यहाँ बंदर ज्यादातर मंदिरों के पास रहते थे, लेकिन लॉकडाउन के बाद मंदिर भी बंद हैं और बाजार भी, तो इसका असर इस इलाके में रहने वाले बंदरों पर पड़ रहा है। वैसे बंदरों को खाना खिलाने की तस्वीर कई जगह से सामने आ रही है, और बेहतर यही है कि लोगों को इस तरह के जानवरों को सहारा देना चाहिए, और अगर हो सके तो अपने आसपास के जानवरों को खाना खिलाना चाहिए।